आपकी सरकार आपकी स्वास्थ्य सेवाओं को कितने लगभग खत्म कर दिया है भाजपा मोदी सरकार ने, आपके बच्चों की नौकरियां किसने छीन ली भाजपा मोदी सरकार ने, बेरोजगारी बेतहाशा है, रिजर्वेशन पूरी तरह से खत्म कर दिया गया बिना कहे निजीकरण लाके पूरी तरह से रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया। इस लोकतंत्र के या यूं कहो कि संविधान को बचाने के जितने भी तंत्र थे सब खत्म हो चुके हैं, सब गुलामी कर रहे हैं। अब अगर इसे कोई बचा सकता है तो आप हैं। आप जितनी जल्दी समझ जाएं और समझकर जितनी जल्दी काम करने लगे तभी कुछ बच पाएगा, नहीं तो अपनी आंखों के सामने देखना जो हाल होगा आप सह नहीं पाएंगे। जो मीडिया था, जो सरकार को सच्चाई दिखाता था, वो मीडिया कब का पूंजीपतियों के हाथ में चला गया और अब उन पूंजीपतियों के माध्यम से सरकार का प्रवक्ता बन के 24 घंटे उसकी गुलामी कर रहा और कुछ काम उसका नहीं रह गया। जो संसद है वो संसद भी बेकार हो चुकी है, मर चुकी है। इससे समझे हैं लोकसभा में बीजेपी को बहुमत है, राज्यसभा में तो नहीं। जो बिल लोकसभा में पास होते हैं वो राज्यसभा में बहुमत ना होते हुए कैसे पास हो जाते हैं? इसका मतलब यह है जो हमारे समाज के लोग हैं, जो सरकार के विरोध के लोग हैं, वही हमारे साथ गद्दारी करते हैं, सरकार की गुलामी करते हैं, फिर जाते हैं। इसलिए वहां से पास होता है, इसलिए संसद पूरी तरह से मर चुकी है। रही अदालत तो मैंने उसके उदाहरण आपको बता दिया। जितने भी संस्थान थे जिनको संविधान ने इंडिपेंडेंट बनाया था, चाहे वो सीएजी हो, पिछले 2-3 साल से सीएजी की एक भी रिपोर्ट नहीं आ रही। सरकार का खर्चा क्या है, क्या दिया गया था, कहां घोटा रहा है, कोई रिपोर्ट नहीं आ रही। तो खत्म हो गया, इंडिपेंडेंट था। यूपीएससी खत्म कर दिया और बैक डोर से अब जिसे लेटरल एंट्री कहते हैं वो शुरू होने लगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में सब सीबीडीटी जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसके पास सभी बेईमानों के, सभी घोटाले करने वालों के नाम पते सब कुछ है, लेकिन खिलाफ कार्रवाई किसी की नहीं होगी, सिर्फ उसके होगी जिसको राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने के लिए मोदी सरकार कहेगी। सबका हाल है, सबके सामने है सब कुछ। तो ये जितने भी इंडिपेंडेंट थे, इलेक्शन कमीशन उम्मीद नहीं थी, कभी टीएन शेषन साहब को देखकर लगा वाकई में इलेक्शन कमीशन कितना पावरफुल होता, कैसे काम करता, और वो काम करे सही तरीके से बहुत कुछ सही हो जाएगा। लेकिन आज तो इलेक्शन कमीशनर दंडवत होके मोदी के तलवे चाट रहे हैं, जो वो कहता है वही करते हैं। तो जितने भी संवैधानिक संस्थान थे जिनको ताकत दी गई सबके सब खत्म हो गए, गुलामी कर रहे हैं। तो फिर कौन लड़ेगा आपकी लड़ाई? इसीलिए मैं कह रहा हूं हमारी लड़ाई है, हम ही को लड़नी पड़ेगी। और जब आप लड़ेंगे तो ध्यान रखिए 2024 तक का ही समय है, इसके बाद आपके पास कोई समय नहीं है अगर बीजेपी जीत गई तो। और बीजेपी को आप हरा नहीं पाएंगे जब तक ईवीएम है। तो इस देश के लोगों की लड़ाई में सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए ईवीएम हटाओ। आपकी शिक्षा का बेड़ा गर्क किसने किया? भाजपा मोदी सरकार। आपकी स्वास्थ्य सेवाओं को कितने लगभग खत्म कर दिया है? भाजपा मोदी सरकार ने। आपके बच्चों की नौकरियां किसने छीन ली? भाजपा मोदी सरकार ने। बेरोजगारी बेतहाशा है, रिजर्वेशन पूरी तरह से खत्म कर दिया गया बिना कहे निजीकरण लाके पूरी तरह से रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया, किसने किया? भाजपा मोदी सरकार ने किया, नहीं किया? चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह से पन्नू बना दिया, चुनाव आयोग को गुलाम बना दिया, किसने? भाजपा मोदी सरकार। इस देश में जब 50 लाख लोग कोरोना में मर गए
जब गरीबों की संख्या में 6 करोड़ लोगों का इजाफा और हो गया, उस दौरान चंद पूंजीपतियों की संपत्ति बेतहाशा स्पीड से बढ़ रही थी। अंबानी और अडानी की संपत्ति प्रतिदिन 1000 करोड़ रुपए के हिसाब से बढ़ रही थी। जरा सोचो, जब फैक्ट्रियां बंद हैं, व्यापार बंद है, सब कुछ बंद है, ये संपत्ति कहां से बढ़ रही थी? कौन सी नोट छापने की मशीन अंबानी और अडानी के घर में लगी हुई, बताओ आप। ये चीजें हैं जिन्हें हमें सोचने की, समझने की जरूरत है। तो सरकार हर चीज को, अपने यारों को औने पौने दाम में, कौड़ियों के दाम दे रही है। और आप जानते हैं कि जो भी सरकारी उद्योग निजी हाथों में सौंपा जाता है, ये सरकार के ही आंकड़े हैं, मेरे नहीं है। कि सरकार कहती है जैसे ही वो जाएगा 80% रोजगार खत्म हो जाएगा।